आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट. आज हम क्या पढ़ने वाले गाइज, लेसन नंबर 4, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. ठीक है गाइज, इसके पहले लेसन नंबर 3 में हमने क्या देखा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता था गाइज, किसी नंबर पे 2 की पावर, सेकेंड पावर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके गाइज, जैसे कि 2 पे मैंने 2 की पावर लगा दिया तो इसको बोलते हैं 2 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 2 × 2 = 4. लेकिन आज हम क्या कर पढ़ने वाले हैं, इस 2 पे अगर मैं 3 की पावर लगा दूं तो इसको बोलते हैं 2 का क्यूब. तो 2 का क्यूब यानी क्यूब ऑफ 2, है ना, थर्ड पावर ऑफ 2, यानी आपके पास एक बेस है उस पे पावर आपने लगा दी 3 की. तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 8, है ना. 2 के क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी. इसी टाइप से गाइस 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27. ऐसे ही आप 4 का क्यूब निकाल सकते हैं गाइस, है ना, 4 × 4 × 4, है ना, 64. ऐसे ही 5 का निकाल सकते हैं, 125, इस टाइप से, है ना. तो देखो, देखिए गाइस, इस नंबर का ये क्या निकला, ये तो स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये हमने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में. ठीक है, आज हम डील करेंगे क्यूब के साथ. तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है गाइस. देखो, किसी नंबर पे 3 की पावर का मतलब क्या होता है, उसका क्यूब कर देना, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है गाइस, है ना. फाइंड, अगर आपको ऐसा बोल दे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8, है ना, ये आपका सवाल है गाइस, है ना, क्वेश्चन है. तो आप क्या करोगे गाइस, 8 को ऐसा लिखोगे, 2 × 2 × 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना 8 को फैक्टराइज करके. और अब हम क्या करेंगे गाइस, स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनाते थे ना, क्यूब में 3 की पावर है ना, तो यहां 3 3 के पेयर बनाते हैं. देखो, 3 का एक पेयर कंप्लीट बन गया, सही बात है ना गाइस. तो हम क्या करते हैं, इस 8 में क्या करते हैं, क्यूब निकालना है, तो क्यूब का साइन ऐसा होता है गाइस, ये तो स्क्वायर का साइन होता है, स्क्वायर के साइन में यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब 2 मानते हैं हम लोग, और क्यूब के साइन में यहाँ पर 3 होता है गाइस, क्या होता है, 3, है ना. तो 8 का मैं क्यूब रूट निकालूंगा, तो ऐसा मैं 8 को लिख दूंगा. अब यहाँ पर भी 8 में मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, यहाँ पर भी ये 3. अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 बार अगर कोई चीज आ गई, कोई एक फैक्टर 3 टाइम आ गया मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो उसका हम ग्रुप बना लेंगे, 3-3 की ग्रुपिंग, जिसको ट्रिपलेट बोलते हैं, और उस ट्रिपलेट के बदले 1-2 को हम बाहर लिख लेंगे. और यहां पर 3√8 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है गाइस, तो इसी टाइप से हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे. किसी नंबर का क्यूब कैसे करते हैं, ये तो आसान है, और क्यूब रूट करना भी आसान है. अगर 64 का क्यूब रूट निकालने बोलेगा तो आपको क्या पूछेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा 64 और यहां पर 3, क्यूब रूट कितना होगा, ऐसा करेंगे आप और 64 के फैक्टर निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस टाइप से. अब आप 3-3 के पेयर बना लोगे, एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया 64 में. तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, एक बार 2 को बाहर लिख दोगे, इस 2 को भी एक बार बाहर लिखोगे मल्टीप्लाई के साथ, तो 2 × 2 का कितना हो गया, 4 हो गया. तो देखो, 64 का क्यूब रूट कितना निकल गया, 4 निकल गया. देखो 64 कैसे बना है गाइस, 4 पे ही 3 की पावर से बना है ना, तो वही है, यही इसका क्या हो जाएगा, 4, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा. अगर 64 का स्क्वायर रूट बोलता तो हम क्या करते, यहां पर 2 आ जाता, कुछ नहीं आता, खाली आता, है ना, इसका मतलब 2. अब हम 2-2 की पेयर बनाते गाइस, अब क्या करते, 2-2 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसा. तो 3 पेयर में 3 बार 2 को बाहर निकालते, एक बार ये, 2 बार, और एक बार 2 बाहर निकल जाता. अब इसका आंसर 2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो जाता गाइस, है ना. तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8, और 64 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है गाइस, क्योंकि वहां पर 3-3 के पेयर बनाने होते हैं हमें, और 3 का पेयर एक बार बन गया तो उसको बाहर लिख देते थे हम लोग. आसान है ना, रिलेट कर पा रहे हैं आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, समझ में आ गया आप लोग को, है ना. अगर मैं आपको बोलूं 81 का, है ना, 81 यहां पर लिखा हुआ है, इसका आप क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो. तो आप ऐसा साइन लगा दोगे, यहां पर 3 लिख दोगे गाइस. अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 81 के फैक्टर निकालोगे गाइस. पहले 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 बज गया, हो गया 21, 3 × 7 = 21, फिर 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3, सही है. 81 को मैंने बांट दिया, अब मैं यही लिखूंगा 3 × 3
इंटू थ्री इंटू थ्री। अब मैं थ्री थ्री के पेयर बनाऊंगा तो ये देखो एक ही पेयर बनेगा थ्री का, तो जो एक पेयर बन गया उसे तो हम बाहर लिख देंगे थ्री को, और बाकी ये क्यूब रूट के अंदर में थ्री अकेला बच जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इस देखो ये 81 का क्यूब रूट मैंने निकाला तो इस टाइप का आंसर मिला। ये कोई नेचुरल नंबर हमें नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिला। देखो नेचुरल नंबर के साथ ये रूट वाला साइन भी हमें मिल गया गाइस, है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 81 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, सही है ना, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी नंबर का 81। अगर जैसे कि 8 ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 के क्यूब से बना है ना, 2 पे 3 की पावर से बना है। लेकिन 81 के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिस पे 3 की पावर लगा दूं और मुझे 81 मिल जाए, इसलिए मुझे ऐसा आंसर मिला। 64 एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों है? क्योंकि ऐसा नंबर पॉसिबल है, ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है जिस पे 3 की पावर लगाने से मुझे 64 मिल जाए, और वो नेचुरल नंबर क्या है? 4 है ना, 4 पे 3 की पावर से 64। जैसे कि 27 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्यों है? क्योंकि किसी नेचुरल नंबर पे 3 की पावर लगाने से ये हमें मिल जाता है। वहां हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते थे, अब यहां हम परफेक्ट क्यूब नंबर देख रहे हैं। सही, समझ में आ रहा है इतना? चलो कुछ सवाल के थ्रू और समझते हैं गाइस, है ना, देखते हैं। देखिए गाइस, इस टाइप का सवाल आपको पूछ दिया जाए, फाइंड इफ 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये जो नंबर है 216, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है, है ना। क्या 216 के लिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जिसपे 3 की पावर लगा दूं और मुझे 216 मिल जाए? कैसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है? तो वही तो हमें पता लगाना है गाइस, है ना। जब भी परफेक्ट क्यूब आपको निकालने के लिए बोला जाता है गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 216 के फैक्टर निकाल लेते हैं स्टेप नंबर 1 में, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो हम वही करते हैं गाइस, 216 को पहले लिख लेते हैं और इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2। अब ये 1 में डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए 2 0 0 0 टाइम में जाएगा, और अब 2 3 6, है ना। कुल मिला के 216 का हमने हाफ कर दिया, नहीं 2 1 इज एक्चुअली गाइस 1 में डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए 2 0 0 बार में देंगे और फिर देंगे 2 8 16, ऐसा होता है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, 1 में डिवाइड नहीं होता, 2 0 0 बार में दिए, लेकिन अब ये 1 और 6 16 बन गया इसलिए 2 8 16, है ना, कंफ्यूज नहीं होना गाइस, है ना। अब फिर से 2 से 2 5 10 और 2 4 8, यानी हाफ हाफ होता जाता है जैसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। फिर अब 2 से फिर से करेंगे, इवन नंबर है ना, 2 2 4, 2 7 14, अब 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये जो फैक्टर है 3 3 3 2 2 2, ये 3 3 बार, है ना। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, हमारी जो पहली स्टेप है उसमें हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, है ना। ये सब नहीं भी लिखेंगे तो आप सीधे आप 216 लिख के आगे इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3, मिला है ना, 3 into 3 into 3। देखो 2 2 2 तीन बार है, इन सबको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिल जाएगा, क्योंकि 216 के ही ये क्या है, फैक्टर है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं गाइस, पेयर बनाने की कोशिश करेंगे 3 3 के। स्क्वायर रूट में 2 2 के बनाते थे, तो देखो ये एक पेयर बन गया, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो 3 के ट्रिपलेट में है, है ना, पेयर नहीं बनाते, पेयर तो 2 का होता है ना, ट्रिपलेट बनाएंगे ना, 3 3 का ग्रुप। तो 2 देखो 3 3 के ग्रुप में बन गया, 3 का भी 3 3 का एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, और कोई भी अनग्रुप्ड नंबर नहीं बचा, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, आफ्टर मेकिंग ग्रुप्स, आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट लिख सकते हो आप, ठीक है, पेयर बोलते थे इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है, आप लिख लो, आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स वी फाइंड, है ना, दैट नो फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, लिखना पड़ेगा, है ना, अनग्रुप्ड, इसीलिए 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, खत्म। परफेक्ट स्क्वायर लिखते थे वहां, अब यहां पर क्यूब लिखेंगे, ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो
इसका आपको क्यूब रूट अगर निकालने बोल देगा गाइस, तो कैसे निकालोगे गाइस क्यूब रूट? आप नीचे की लाइन में अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए 216 का क्यूब रूट वाला साइन लगा देना इज इक्वल टू 22 का एक पेयर है तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का एक पूरा जो ग्रुप है ना, पेयर नहीं बोलना चाहिए, ट्रिपलेट, 2 का एक ट्रिपलेट है तो 2 को एक बार बाहर निकलिए लिख लिए, 3 का एक ट्रिपलेट है तो 3 को एक बार बाहर लिख लिए, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6। चलो इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली गाइस, चलो मैं अच्छे से बता देता हूँ आप लोग को, यही साइन लगाओ आप पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 टाइम है ना, ये एक ट्रिपलेट बन गया इंटू थ्री, ये एक ट्रिपलेट बन गया ना, देखो 2-2 का भी और 3-3 का भी। अब जैसे ही गाइस ये जो आपका साइन है क्यूब रूट वाला साइन, इससे बाहर जब चीजें निकलती तो कब निकलती, जब वो ट्रिपलेट में हो तभी बाहर निकलती, तो 2 भी ट्रिपलेट में तो 2 भी बाहर निकल गया, 3 भी ट्रिपलेट में तो 3 भी बाहर निकल गया, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 6, यही हमारा आंसर होगा। तो जो क्यूब रूट है 216 का वो क्या है, 6 है, एक नेचुरल नंबर निकला ना, नेचुरल नंबर हमें मिल गया, सही गाइस, इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है 216। तो ऐसे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं गाइस, ओके। देखिए एक और सवाल है गाइस, देखो फाइंड इफ 392, आपके सामने एक नंबर है 392, आपको ये पता लगाना है कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्या किसी नेचुरल नंबर पे 3 की पावर लगाने से क्या हमें ये मिला है, तो वो पता लगाते हैं कैसे। सबसे पहली स्टेप, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर क्या लिखेंगे, 392 के फैक्टर लिख देंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ पर है 392 आपका, अब इवन नंबर है तो 2 से आप कीजिए, 2 वन जा 2, 1 बज गया 19 हो गया, 2 9 जा 18, 1 बज गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा कितना होता है 18 होता है गाइस, 1 बज गया 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 में जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है हो गया, 1 बज गया 2 4 जा 8, 18 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 7 से 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, जैसे 49 देखे तो आपको 7 से ही डिवाइड कर देना सीधे, ओके। तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे इसके जो फैक्टर, उसका ट्रिपलेट मतलब 3-3 की ग्रुपिंग करेंगे, तो चलो ये एक 3-3 की ग्रुपिंग में 2 मिल गया, अब इसकी ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हुई, 7 तो 2 ही टाइम आ रहा है, एक और बार आता 7 तो इसकी भी ग्रुपिंग हो जाती, तो इससे पता चल गया, इतना ही देख के हमें पता चल गया कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, अगर होता तो सारे जो प्राइम फैक्टर है सब 3-3 हमें मिल जाते, 3-3 के ट्रिपलेट उसके बन जाते हैं ना। तो यहां हम लिखेंगे आफ्टर मेकिंग सॉरी गाइस, आफ्टर मेकिंग ट्रिपलेट्स ऑफ फैक्टर्स वी फाइंड दैट फैक्टर सेवन इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, इसीलिए आप लिख सकते हैं 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो इसका कोई क्यूब रूट भी आप नहीं निकाल पाएंगे, इसका क्यूब रूट आप निकालेंगे तो कोई नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलने वाला है गाइस, सही है। तो इसका क्यूब रूट आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसका कोई क्यूब रूट आपको मिलने ही वाला नहीं है एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में, सही है गाइस, ओके ठीक है। हाँ देखते और कुछ क्या है गाइस, है ना। देखिए गाइस, अब किसी नंबर का क्यूब निकालना है ना, क्यूब का मतलब है 3 की पावर किसी नंबर पे, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसे बहुत आसान बनाने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है कॉलम मेथड, इसकी मदद से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। देखो 34 का, देखो फाइंड क्यूब ऑफ 34 बाय कॉलम मेथड, मतलब कि हमें क्या करना है, 34 पे 3 की पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी है जिसको आपको यूज करना है, वो क्या है, हमें पता है a प्लस बी पे 3 की पावर क्या होता है, a पे क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये एक आइडेंटिटी, आप इसको याद रख लो गाइस, ठीक है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले में कितने स्टेप है, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम हम बना लेंगे गाइस। सही है, पहले कॉलम में हम क्या लिख, और देखो यहां पर 3 और 4 है ना, तो लेट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। इस 3 को ए मान लिया हमने, ठीक है गाइस, और बी को क्या मान लिया, और इस 4 को क्या मान लिया, बी। तो ये चीज आपको कर लेनी। अब हम कॉलम बना लेंगे गाइस, क्या बना लेंगे, कॉलम, ठीक है। चलो कितने कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 कॉलम हम बना लेंगे। तो पहले कॉलम जो है देखो हम बना रहे हैं, जिसमें ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आपको भी ऐसे 4 कॉलम बना लेने गाइस, है ना। फर्स्ट कॉलम अब यहां पर आ जाएगा आपका, सेकेंड कॉलम फिर आ जाएगा यहां, थर्ड कॉलम, और लास्ट में आपका फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड कॉलम में आप ये वाली स्टेप लिखेंगे, 3a² b, फिर यहां पर लिखेंगे 3ab², और यहां पर आप लिखेंगे b³, ठीक है, ओके। अब हमने क्या माना है गाइस, a की वैल्यू 3 मानी, b की 4 मानी, तो a³ का मतलब क्या हो जाएगा, a³ का मतलब हो जाएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, है ना, कितना होता है 27, तो हम यहां लिख देंगे 27, ठीक है। 3a² b का मतलब क्या होगा गाइस, 3 into a² क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू b, तो b की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये आप वैल्यू निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं गाइस, इस कॉलम को बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, है ना, ये 3ab² को थोड़ा आगे लिख देंगे, ठीक है, ताकि जगह की कोई कमी हमें ना पड़े, समझ गए, ठीक है। और ये बी क्यूब वाला जो कॉलम है इसको यहां बना लेते हैं गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। क्या था, 3a² b, और यहां पर क्या आएगा, 3ab², ठीक है, ओके। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, और लास्ट में क्या था, बी क्यूब, चलो कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, ओके। 3 into 3 का स्क्वायर into 4, ये स्टेप है यहां पर, देखो 3a² b का मतलब यही है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 3 कितना होता है, 27, 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में 4 का मल्टीप्लाई करो, यहां पर देखो 27 into 4, 4 7 28, 4 2 8, +2 10, तो 108 आ जाता है आपका, यहां आप लिख देंगे 108, क्लियर है गाइस, ओके। अब 3ab² की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब है 3 into a की वैल्यू कितनी है, 3 into b² मतलब 4 का स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू आप यहां लिख देंगे, ठीक है गाइस, हाँ 3 3 9 होता है गाइस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, मतलब 9 into 16 करना यहां आपका आ जाएगा, ठीक है, 9 into 16 करो, 9 6 कितना होता है, 54, तो 4 आएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 9 1 9 +5 कितना होता है गाइस, 14, तो 144 आपका यहां पर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक एक स्टेप में पहले ऐसा करना पड़ेगा गाइस, है ना। अब यहां b क्यूब, b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है गाइस, ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या मिला, 64 मिला ना, तो यहां लिख दो, यहां में 144 मिला ना, तो यहां लिख दो 144, यहां में 108 मिला तो यहां आप लिख दो 108, है ना, यहां में 27 मिला तो आप लिखो 27। अब सबके यूनिट प्लेस को हम अंडरलाइन करेंगे, 64 का यूनिट प्लेस ये है 4, ठीक है, और बाकी जो टेंथ प्लेस की चीज है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड के कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगी, तो 6 को हम यहां ला लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ये जो 6 था वो इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 0 carry 1, यहां पर 5, और यहां 150 आ जाएगा। इस 150 में से यूनिट प्लेस को हम अंडरलाइन करेंगे, और बाकी जो 15 बच गया ये आ जाएगा आपके लेफ्ट साइड के कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा, ये 15 है ना, ये इधर आ जाएगा इस, तो इस 15 को यहां पर हम ऐड कर देंगे, 8 + 5 13, 3 हो जाएगा इस, 1 carry, और ये 1 2 हो जाएगा, यानी 123 हो गया। इस 123 में हम 3 को अंडरलाइन करेंगे गाइस, इस 3 को, वंस प्लेस को, यूनिट प्लेस को, ठीक है, और 12 इधर ट्रांसफर हो जाएगा इस, है ना, और इसमें ऐड हो जाएगा, 7 + 2 9,
2 + 1 = 3, 39। और यहाँ जो फर्स्ट कॉलम की चीज़ है इसको पूरा लेना है, हमें पूरे को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो हमने ये कॉलम तो बना लिए गाइस, अब हमारा आंसर भी आ जाना चाहिए। देखो हमारा आंसर क्या मिलता है, ठीक है। इस कॉलम वाली मेथड को आप यहाँ से, अब यहाँ क्लोज कर सकते हो कॉलम्स को, ठीक है, ये ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए 34 का क्यूब यानी 34 पे 3 की पावर का आंसर क्या मिलेगा, यहां से लिख लो 39 को, यहां से लिखो आप 3 को अंडरलाइन किए तो 3 को, यहां से 0 को अंडरलाइन किए तो 0, और लास्ट में 4 को किए तो 4, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा गाइस। तो इतनी आसान मेथड है, इतनी है ना, और इतने जल्दी आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू, ठीक है गाइस। देखिए गाइस एक और सवाल समझ लेते हैं कॉलम मेथड का, इस बार थोड़ा से अच्छे से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, कॉलम बनाने की कोशिश करेंगे। आपको जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है सॉल्यूशन में, लेट ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 2, पहले नंबर को ए सेकेंड नंबर को बी मान लेना है। और फिर क्या करना है, कॉलम बनाने, तो कॉलम जब भी आप बनाएंगे तो आपको आइडेंटिटी याद रखनी, सबसे पहले क्या आता है ए क्यूब आता है, क्या आता है ए क्यूब, फिर क्या आता है 3a² b, क्या आता है गाइस 3a² b, फिर क्या आता है 3ab² फिर क्या लिखना है बी क्यूब लिखना है। तो इस टाइप से 4 कॉलम आपको बना लेने, ठीक है गाइस, ठीक है। हम इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं कॉलम की, इस बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर पिछला नहीं भी आया था तो कोई इस बार दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से आपको कॉलम बना लेने, फिर क्या करना है गाइस, हमें पता है ए का क्यूब का मतलब क्या है, 4 का क्यूब, यही मतलब पता है हमें, है ना। तो 4 का क्यूब कर लेते हैं, हम ब्लैक पेन से ही करेंगे 4 का क्यूब। और यहाँ 3a² b का मतलब क्या है गाइस, 3 × a² मतलब 4 का स्क्वायर, × b का मतलब क्या है 2। इसे सॉल्व करके नीचे लिखेंगे हम लोग, या चाहे तो आप ऐसे भी साइन लगा सकते हो इक्वल के, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 3 × a का मतलब क्या है गाइस, 4 × b² यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आप इक्वल के साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। b का क्यूब का मतलब क्या है, 2 पे 3 की पावर 2 का क्यूब, सही है। या इक्वल के साइन नहीं भी लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लगा भी सकते। तो 4 के क्यूब का मतलब क्या है, 64, है ना, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 3 × 2, 3 × 2 = 6, मतलब 16 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 16 × 6 कितना आ जाएगा, 96, 16 × 6 कितना होता है 96, तो आपको 20 तक के टेबल आपको बिल्कुल ही याद रखने ही हैं गाइस, है ना, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, 3 × 4 = 12 में मल्टीप्लाई करना है 2 का स्क्वायर मतलब 4 का, तो 12 × 4 = 48, और 2 का क्यूब 2 × 2 = 4 × 2 = 8 होता है गाइस। तो ये चीज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलो यहां पर एक ही नंबर है तो इस 1 यूनिट प्लेस को हम अंडरलाइन करेंगे, इधर कुछ ट्रांसफर नहीं हो पाया, यहां भी यूनिट प्लेस को हम अंडरलाइन करेंगे, और ये जो टेंस प्लेस की चीज है वो ट्रांसफर हो जाती है गाइस, क्या ट्रांसफर हो जाती है, इधर इस कॉलम में, तो यहां पर ये ऐड हो जाती है, 4 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 = 10, यहां पर आ जाएगा 100 में फिर से वंस प्लेस की चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, और टेंस प्लेस में जो 10 है गाइस वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ये 10 ऐड हो जाएगा गाइस, ठीक है, ऐड करो ये 4 हो जाएगा और ये 7, और यहां पर जब चीज आ जाती है तो दोनों ही पूरी की पूरी टर्म को हमें लेना पड़ता है गाइस। तो ये आपकी कॉलम मेथड यहां तक तो हमने कर दिया, इतना ही करना होता है गाइस, कुछ नहीं है। अब इस कॉलम को आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ओके। अब आप आंसर लिख सकते हैं गाइस, इसीलिए 42 का क्यूब 42 पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7, 4 को लिखो, इस 0 को भी लिखना, जहां जहां अंडरलाइन किए यहां भी 8 को लेना है, यहां पर 8 को, ये आपका क्या हो जाएगा इस आंसर हो जाएगा। तो इतना ही आसान है ना, 7408, तो कर पाएंगे ना आप कॉलम मेथड, ठीक है।
तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, फिर अगले इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, है ना, किसी नंबर का क्यूब करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने स्क्वायर वाले में चैप्टर में पढ़ा था ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वो हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप 1 से 20 तक के नंबर के आपको क्यूब याद होने चाहिए गाइस, और टेबल भी आपको याद होने चाहिए 1 से लगभग 20 तक बहुत अच्छे से। इस पे काफी मेहनत कीजिए, ये याद हो जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और स्क्वायर भी याद रखने 1 से 20 तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।